पुलिस लाइन में प्रशिक्षु महिला आरक्षियों के लिए मंगलवार को एक हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेस में किया गया कि जिसमें पुलिस का प्रशिक्षण ले रही महिला आरक्षियों को उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर सहायक पुलिस अधीक्षक के रोहन प्रमोद बोत्रे की धर्मपत्नी व जिला अस्पताल की परामर्श चिकित्सक डॉक्टर श्रुति वाषणे ने बताया कि भागदौड़ की जिंदगी में पुलिस कर्मियों को अपने शरीर की देखरेख का मौका कम मिल पाता है, खासकर महिला आरक्षियों को। इसलिए इसको इससे बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या में कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जिससे इनका हेल्थ मेंटेन रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर श्रुति वाषणे ने कहा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसको डायग्नोज करना कि किस चीज हो रही है। वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बताएंगे, तो आप डेफिनेटली कंसल्ट करो यार, छोटे छोटे प्रॉब्लम है। अगर आपको इस चीज पे तो आपको ये फीलिंग क्या मिलेगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है ना, तो जिसको भी हेल्थ इश्यूज है तो आप किसी अपने सीओ लाइन से बात करिए, आप डेफिनेटली डॉक्टर। थोड़ा सा चाहेंगे जो कि विमेन हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों को पता होना चाहिए विमेन हेल्थ में ओनली फिजिकल हेल्थ नहीं आता। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ को कैसे आप अपना फॉलो करते हैं, यहाँ पे मैं बहुत सब आपसे डिस्कस करने आई हूँ। तो फिजिकल हेल्थ में गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल हेल्थ कैसे डेवलप करते हैं, कितना कैसे रखते हैं, वो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से आपको ये नॉलेज नहीं मिलती है और इसके बारे में आपका लिटरेसी लेवल थोड़ा कम होता है। तो जितना मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में बताऊंगी उसका एटलीस्ट आप 5% भी अपने अंदर ग्रहण करोगे तो वो आपकी लाइफ के लिए डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा काम कर रहे। सो एंड टू मेंटेन ऑल दीज काइंड ऑफ हेल्थ इज अ रिजीम फॉर यू, मेक श्योर यू मेंटेन योर हेल्थ सो एज टू हैव अ गुड वर्क आउटकम फॉर यू। समझ में आया? तो यहाँ पे विमेन हेल्थ इश्यूज के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आप शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ और सामाजिक हेल्थ को कैसे डिस्कस करें और कैसे उसको बनाए रखें। प्याज मत खाओ, स्पाइसी फूड मत खाओ, ज्यादा ऑयली मत खाओ, जिससे एसिडिटी डेवलप होती है, रेजिटेशन के प्रॉब्लम होता है और उससे एसिड जनरेशन होता है, जिससे रिफ्लक्स प्रॉब्लम होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे डिस्कस करने आई हूँ जिनसे ये जिनके साथ इनका कोई डिस्कशन नहीं होता। सो कुछ जैसे कि फिजिकल हेल्थ हो गई, उसमें इनकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ हो गई, उसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस जो बातें होती हैं जो इन लोगों को कुछ भी ज़्यादा इनसे डिस्कशन नहीं होता, उस पर उन मुद्दों पर मैं डिस्कस करने आई हूँ। इनको हाइजीन कैसे रखनी है, सैनिटाइजेशन कैसे रखना है, सैनिटरी नैपकिन्स कैसे यूज़ करनी है, ये सब बेसिक मुद्दे हैं लड़कियों को जहाँ पर थोड़ा डिस्कस करने में इनको थोड़ा हिचक भी होता है। सो आई एम हेयर टू डिस्कस ऑल दिस। जी जी जी, इनके बिजी शेड्यूल में डेफिनेटली इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि अपने ऊपर कुछ टाइम देकर एक्सरसाइज करें। तो मैं यहाँ पे इनको ये बताने आई हूँ कि इवन बीइंग अ डॉक्टर आई मेक श्योर कि मैं 45 मिनट तो आधा घंटा या 45 मिनट अपनी एक्सरसाइज को डिवोट करूँ। अभी वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे निकला है तो इन्होंने किया भी था, तो मैं इनसे ये डिस्कस कर रही हूँ एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स अपनी एक्सरसाइज को दें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है और इनकी बॉडी हमेशा चुस्त रहेगी, अच्छा वर्क आउटकम रहेगा। इसके अलावा ये अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो करें। मैंने देखा है कॉन्स्टेबलरीज में हर लेवल पर जैसे समोसे और चाय चलती है, उसको छोड़कर ये अपने डाइट प्रॉपर कैसे मेंटेन रखे, जिससे ये प्रॉपर चुस्त रहे, मोटापा ना आए इनके शरीर पर और ये इनके काम में सहयोग मिलेगा उससे। भाग दौड़ रहता तो देखा जाए तो सुबह उठती है
अचानक मुंह खुलेंगे चले जाएंगे। जी जी जी, काफी अपने चेहरे को या दांत को या उसको मेंटेन नहीं करते। जी जी, मैंने यहाँ पर इनको ये भी बताया है कि मॉर्निंग में सुबह उठकर कैसे हाइजीन मेंटेन रखेंगे, नहा एक बार मॉर्निंग में उठकर नहा कर उसके बाद अपने इवन नेल्स तक कैसे कट करना है, उससे हाथ वॉश कर, खाना खाने से पहले हाथ वॉश करने हैं, ट्वाइस ब्रशिंग करनी है, ब्रशिंग कैसे करनी है, दीज आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पर मैंने इनसे बात किया है और इनको थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश की है।